भोपाल के मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनिट में बिजली केबल घोटाले को लेकर सीबीआई की एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने छापा मारा है। यह पहला मौका था जब सीबीआई की टीम ने लगातार 7 घंटे तक यह कार्रवाई की हो। मैनिट में बुधवार को हंगामे का कारण यह देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी का पहुंचना था। इस दौरान दिल्ली से आई मानव संसाधन विकास मंत्रालय की चीफ विजिलेंस की टीम भी मौजूद थी। कार्रवाई करीब 7 घंटे तक चली। दरअसल मैनिट में साल 2017 में हॉस्टल के लिए केबल बिछाई गई थी। इसके एवेज में ठेकेदार को 37 लाख रुपए का भुगतान किया गया था। MHRD को मिली शिकायत में आरोप लगाया गया है कि यह काम पहले भी कराया जा चुका है, जिसका भुगतान भी हो चुका था। इसके बावजूद एक ही काम के लिए 2 अलग-अलग एजेंसियों को भुगतान किया गया है। इस आधार पर CBO की टीम CBI के साथ बुधवार को मैनिट पहुंची। इस दौरान टीम ने ठेके से जुड़ी सभी फाइलों को जब्त कर लिया। CBI ने मैनिट के अधिकारियों के साथ मौका मुआयना भी किया। छापे के दौरान मैनिट के डायरेक्टर NS रघुवंशी अचानक एक दिन के अवकाश पर चले गए। उनकी गैर मौजूदगी में मैरिट के रजिस्ट्रार ने CBI को टेंडर की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी। छापे से मैरिट में हड़कंप मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज, भोपाल। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें।